मतलब काफी अच्छा मैंने यहाँ पे ग्रीन किया हुआ है। तो यहाँ पे जो क्लॉक मिलेगी आपको, इसके कलर को आप इजीली जो है चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी रियलमी का डिवाइस यूज करते हैं और आप भी यहाँ पे जो है क्लॉक जब लॉक स्क्रीन पे यूज करते होंगे तो वहां पे सिंगल कलर को जो है यूज करते करते बोर हो गए हैं, ठीक है, आपको कुछ नया चाहिए तो डेफिनेटली यहाँ पे आप अपने डिवाइस के इस लॉक स्क्रीन में जो यहाँ पे कलर है लॉक स्क्रीन के कलर को जो है इजीली जो है चेंज कर सकते हैं। पूरी मैं प्रोसेस बताने वाला हूँ। फिलहाल देख सकते हैं जो भी आपको यहाँ पे कलर मिलता है, मतलब आप जो है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर सकते हैं, जो भी कलर आपको रखना है वो आप रख सकते हैं। तो इस प्रोसीजर को कैसे यहाँ पे करना है और कैसे आपको यहाँ पे इस कलर चेंजिंग वाले फीचर को जो यूज करना है, आज की इस वीडियो के थ्रू मैं इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। फिलहाल देख सकते हैं यहाँ पे जो कलर है मतलब काफी अच्छा मैंने यहाँ पे ग्रीन किया हुआ है। आप चाहें तो यहाँ पे और भी जो है कलर्स को चूज कर सकते हैं अपने रियलमी डिवाइस में। तो वीडियो को आप कंप्लीट जरूर से देखिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में जब भी हम वीडियोस अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको हमारी वीडियो अपलोड करते मिल जाए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशल साइट्स के लिंक प्रोवाइड करवाए गए हैं, उनको आप जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको भी आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो अगर आप रियलमी का डिवाइस यूज करते हैं और यहाँ पे लॉक स्क्रीन में जो क्लॉक है उसकी कलर को जो है चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली एक प्रोसेस में बताता हूँ। इसके लिए सिंपली आपको सेटिंग पैनल को ओपन कर लेना है, ठीक है। जैसे आप सेटिंग पैनल ओपन करेंगे तो यहाँ पे वॉलपेपर एंड लॉक स्क्रीन स्टाइल का एक ऑप्शन मिलता है, ठीक है, आपको सिंपली टैप करना है। अब यहाँ पे आपको एक फीचर मिलता है यहाँ पे जो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का, सिंपली इस पे टैप करना है, ठीक है। जैसे ही आप टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट भी आपको कई सारी चीजें जो है देखने को मिल जाएगी। तो आप जो है अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे जो है चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज आपको इस नीचे पर्सनलाइज्ड वाले फीचर में आना है। यहाँ पे आपको करना क्या होगा कि यहाँ पे आपको सिंपल यहाँ पे टेक्स्ट का एक ऑप्शन मिलता है, इस पर टैप करके जो है आप इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे मान लीजिए आपने पहले से ही प्रोफाइल बनाई हुई है तो सिंपली आपको करना क्या होगा कि यहाँ पे टैप करके जैसे मेरा मान लीजिए इस पे है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको मैं दिखा देता हूँ, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे नीचे कलर भी मिल जाता है, मतलब जैसे ही आप उस प्रोफाइल पे टैप करेंगे तो आपको यहाँ पे पूरा मतलब जो जो डिस्प्ले पे आपको मिलता है चाहे क्लॉक यहाँ पे स्टाइल हो या फिर कोई भी चीज हो तो यहाँ पे आपको कलर इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो है कलर को चेंज कर सकते हैं, जैसा भी आप कलर चाहे वैसा भी कलर यहाँ पे आप देख सकते हैं, मतलब जो आपको ठीक लग रहा है उसको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे व्हाइट है, व्हाइट अभी फिलहाल देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ पे ग्रीन का मैंने ऑलरेडी किया हुआ था, यहाँ पे देख सकते हैं येल्लो है, येल्लो का भी जो है यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, बाकी ये मिलता है यहाँ पे रेड का, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से जो है कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी यहाँ पे कुछ चेंजेस करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और ब्लर वगैरह करना है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप कर सकते हैं ये इस तरीके से। तो यहाँ पे फिलहाल हम यहाँ पे जो है येलो कलर को जो है शेड कर देते हैं, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये थोड़ा विजिबिलिटी के में बढ़िया मतलब विजिबल होता है, ठीक है। तो उसके बाद आपको अप्लाई पे जो है सिंपली टैप कर देना है। आप चाहें तो यहाँ पे टेक्स्ट पे जाके जो है कई सारी चीजें जो है यूज भी कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग आपको कुछ भी रखना हो उसको लिख के मतलब यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ तो यहाँ पे आ गया, ठीक है, व्हाइट कलर में, तो इस कलर को भी चेंज कर सकते हैं इसकी प्रोफाइल को क्रिएट करने के बाद, ठीक है। जब इतना आप कर लें उसके बाद जब आप यूज करेंगे ना, इसको यूज करने के बाद जो है आपको सिंपली यहाँ पे टर्न ऑन कर देना है। जैसे आप टर्न ऑन करेंगे तो उसके बाद जो है आप आराम से इजिली जो है यहाँ पे जब आप इसको लॉक करेंगे अपने स्क्रीन को, ठीक है, तो यहाँ पे जो क्लॉक मिलेगी आपको इसके कलर को आप इजिली जो है चेंज कर सकते हैं। पहले आपने देखा ग्रीन कलर का था लेकिन अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे जो कलर है इसका हमने चेंज करके जो है येलो कर दिया है। तो यहाँ पे दोनों ही तरीके से हमने यहाँ पे आपको बताया किस तरीके से जो है यहाँ पे कलर को चेंज करना है लॉक स्क्रीन में, किस तरीके से जो है यहाँ पे आप अपने डिवाइस में इस जो है लॉक स्क्रीन में जो यहाँ पे कलर है इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं जो टाइमिंग है वगैरह ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दोनों ही उसमें आप जो है चेंज कर सकते हैं। तो काफी अच्छा फीचर मिल जाता है जिसके थ्रू जो है आप यहाँ पे अपने डिवाइस में कलर के चेंजिंग वाले फीचर को जो यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों होपली आपको इस वीडियो के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड हो गई होगी। तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, वीडियो को आप शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।